Hello students, today I'm starting with the phenol part 2. In the last lecture we have seen the preparation of phenol, what is phenol, everything we have seen about part 1, phenol preparations and all. So today we are going to see acidic nature, okay. Acidic nature of phenol. So as we know, the strongest acid is carboxylic acid, right? And as we know कि पूरा उसका जो acidity हम लोग जो मेजर करते हैं acidity constant जिसको बोलते हैं Ka, वो Ka carboxylic acid का ज़्यादा होता है round about 10^-5. उसके एकदम नीचे आ जाता है phenol. उसका होता है के वैल्यू 10^-10. उसके बाद आएगा वाटर जो है 10^-14. एंड उसके बाद आएगा अल्कोहल जिसका 10^-18. तो इस तरह से सीरीज में जाएगा जिसकी एसिडिटी कैसी है वो हिसाब से. सो नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वाई फिनॉल इज, इसमें देखते हैं कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. देखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो ये प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी एसिड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, कोई भी एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, ओके. और कोई भी एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो उसके वो एक कॉन्जुगेट बेस की तरह रिलीज हो जाता है. लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये फिनॉल है ओके. अगर हम लोग देखते हैं कि ये डोनेट कर देता है H प्लस को, तो बनेगा जो फिनॉक्साइड आयन, जिसे हम फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे, राइट. और ये प्रोटॉन लूज हुआ, ओके. सो ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, जो होता है फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस. जितना फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, अभी स्टेबल इन द सेंस व्हाट, अभी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन जितने तक अंदर मूव करेंगे, सिस्टम में मूव करेंगे या मतलब घूमते रहेंगे पूरे सिस्टम में, उतने तक वो स्टेबल कहलाएगा. अगर वो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे ये ओ के ऊपर ही रहे तो वो मज़ा नहीं, फिर वो स्टेबल नहीं कहलाएगा. उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चाहिए, ओके. तो अभी ये कैसे मूव होंगे, तो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ फिनॉल अगर हम लोग लेते हैं, ओके. तो ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, हम लोग जिसे रेजोनेंस बोलते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे आते हैं तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं. ये बाकी के वैसे रहेंगे, ये वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड ओ एच. और इसने ये इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे दिए हैं, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ओके. फिर अभी वापस ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे, अभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा. तो ये अभी वैसे का वैसा ही रहेगा, तो अभी यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया और ये बॉन्ड है ही यहाँ पे. वापस से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट करके बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन को दे देगा, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह होगा,
अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये वाला जो बॉन्ड है वो वापस ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न दे देगा। तो वापस से ये ओ सिंगल बॉन्ड होके ओ एच वापस इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो राउंड अबाउट टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए इसके पास, हो गए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल स्ट्रक्चर्स हुए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पीशीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके बट अगर ये खुद ही फिनॉल इतना स्टेबल है तो वो प्रोटॉन को लूज ही क्यों कर रहा है? ये फिनॉल के रेजोनेंस फॉर्म्स थे सभी के सभी। तो अगर ये एज अ फिनॉल ओनली अगर ये इतना स्टेबल है तो फिर ये प्रोटॉन को लूज क्यों कर रहा है? तो अगर वो उसको लूज कर भी रहा है तो हम लोग अभी ये जो फिनॉक्साइड आयन बोला है हम लोग अभी उसका रेजोनेंस निकाल के देखते हैं। अभी ये हुआ इस तरह से आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन ये फिनॉक्साइड आयन। अभी इसका हम लोग अगर रेजोनेंस देखते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड ओ। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, सॉरी राइट अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा। ओके वापस ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा ऑक्सीजन को वापस से। तो बन गया फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे भी चार्जेस मूव हो रहे हैं, फिनॉल में भी चार्जेस मूव हो रहे थे। अगर हम लोग दोनों का भी कंपैरिजन करते हैं सो कंपैरिजन ऑफ stability of phenol and phenoxide। तो एक तो जो stability होती है वो सबसे पहले depend करती है number of resonating structures पे। अभी फिनॉक्साइड आयन के केस में कितने नंबर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के? टोटल 5 है। फिनॉल के केस में 1, 2, 3, 4, 5 है। तो दोनों के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 5। तो ये पॉइंट तो दोनों के बीच में नहीं है। सेकंड पॉइंट इज चार्ज डीलोकलाइजेशन। चार्ज डीलोकलाइजेशन अभी चार्ज डीलोकलाइजेशन मतलब चार्जेस मूव हो रहे हैं कि नहीं। तो फिनॉल में भी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, फिनॉक्साइड में भी चार्जेस मूव हो रहे हैं, सो वो भी सेम है। सो ये फैक्टर भी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ थर्ड फैक्टर विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। इसमें है चार्ज सेपरेशन।
अभी चार्ज सेपरेशन अगर हम लोग फिनॉल में देखते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो फाइव में से तीन स्ट्रक्चर में तो प्लस माइनस ऐसे चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, जिस वजह से क्या हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं. अभी ये केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस चार्जेस, राइट. बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, हर जगह पे सिर्फ हमने को माइनस 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 ही दिख रहा है, राइट. ओनली डीलोकलाइजेशन, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल सी, नो चार्ज सेपरेशन, एक ही माइनस ही है. और जिस वजह से फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, और इस वजह से ही फिनॉल को लूज करने की जरूरत पड़ रही है प्रोटॉन, बिकॉज फिनॉल इज नॉट दैट मच स्टेबल. ओके, अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो मुझे तुम लोग को थोड़ा बेसिक में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज इसके आगे जो हम लोग रिएक्शंस वगैरह वो तो देख ही लेंगे, वो तो फटाक से नाइट्रेशन न्यूट्रेशन है वो सब तो कर ही लेंगे हम लोग. बट उसके पहले मुझे जो जाना है वो टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल. तो अलग अलग अगर सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल को लगते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है फिनॉल की एसिडिटी पे. अभी एसिडिटी तो देख ली हम लोग ने, फिनॉल एसिडिक है ये तो पता चल गया. उसके पहले कोई सर्टन बेसिक्स क्लियर करने तुम लोग के ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरे जगह पे मूव होता है, ओके, उसकी पोजीशन चेंज करता है, कौन से इफेक्ट होते हैं. तो आज हम लोग जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अगर समझ लो ये x है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो राइट, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस वजह से पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे. इलेक्ट्रॉन्स एक्स के पास जाने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो इस तरह से, और ये दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है मतलब वो है सिग्मा बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ओके. तो कोई भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम की तरफ होती है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ओके. तो ये उल्टा भी हो सकता है, लाइक अगर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वाई से, तो होगा क्या, कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट, जिस वजह से Y पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा. इस केस में कार्बन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे इस एक्स को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ओके. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह से वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाई कहलाएगा इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ निकाल रहा है और अपनी तरफ लेके आ रहा है, तो वो निगेटिव हो रहा है, राइट? तो उसको बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप, या ये इफेक्ट को बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ओके? और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा तो वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इफेक्ट देगा प्लस आई, और ये ग्रुप कहलाएगा प्लस आई ग्रुप, राइट? तो ये जो इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई बोलो या माइनस प्लस बोलो, तो वो डिस्टेंस से डिक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो डिक्रीज हो जाएगा, अप टू 3 कार्बन्स तक, इसका इफेक्ट रहता है, इसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है, ओके? हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं अभी, इसका क्या यूज़ क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का. तो हम लोग एसिडिटी ऑर्डर की, कौन सा बाबा कौन से ग्रुप लगने से पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, राइट? तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हम लोग फिनॉल को पिक्चर में नहीं लाएंगे, बिकॉज आई एम क्लियरिंग यूर बेसिक्स. तो हम लोग इसमें फिनॉल को पिक्चर में नहीं ला रहे हैं, हम लोग बस उसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है. तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन को अगर यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, जिस वजह से यहाँ पे जो भी निगेटिव चार्ज है वो कम होएगा, राइट? निगेटिव चार्ज, तो ये अब ये पूरा यहाँ पे खींचता चला जाएगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो फ्लोरीन विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये माइनस आई इफेक्ट देगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिस वजह से जो भी इसका जो लोड है, ये ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन का लोड है, वो कम होगा. कंपैरेटिवली क्लोरीन कम खींचेगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ब्रोमीन की उससे भी कम और आयोडीन की उससे भी कम, तो उसकी एसिडिटी या स्टेबिलिटी बोलो तो ये कुछ ऐसी रहेगी. ओके, अगर हम लोग माइनस आई ऑर्डर की बात करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप देते हैं, तो ये नोट करने वाली बात होगी कि NH3, राइट? फिर NO2, साइनाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, फिर एसिड, फिर हैलोजन्स, फिर ईथर, फिर OH, फिर अल्काइन, फिर NH2, फिर फिनाइल ग्रुप. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pH, फिर अल्कीन, और लास्ट में होता है प्रोटॉन. इसका कुछ वैसे ही वैल्यू नहीं है, बट ये वाले जो ग्रुप्स हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट देंगे. तो ये कोई भी अगर ग्रुप तुम्हें दिखे कि वो फिनॉल को अटैच्ड है, तो वो उधर से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और अपनी तरफ खींच के जो फिनॉक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन का लोड है वो कम कर देंगे, राइट? जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ेगी. तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी
जो भी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो जितने माइनस आई इफेक्ट वाले, जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगते हैं उतनी ही उसकी एसिडिटी, कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है. सो मोर माइनस आई इफेक्ट, सो मोर एसिडिक नेचर. ओके, तो एक यहाँ पे हम लोग एक छोटा एग्जांपल ले लेंगे कि यहाँ पे ये चार कंपाउंड्स दिए हुए, उसमें से तुम्हें क्या लगता है कि किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी? अभी मैंने बोला कि जिसमें माइनस आई ग्रुप ज़्यादा है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी. अभी ऊपर वाले में देखो तो अल्काइल ग्रुप है. अभी एसिडिटी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग जाएं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे है एक सी एल, यहाँ पे है दो सी एल और यहाँ पे है तीन सी एल. तो सी एल इज इलेक्ट्रो निगेटिव, राइट? तो यहाँ पे तीन सी एल होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है. और सी एच थ्री वगैरह यहाँ पे आता ही नहीं, मतलब अल्काइल ग्रुप इसमें आता ही नहीं है माइनस आई इफेक्ट में. तो ये तो सबसे लास्ट ही होगा. सो इसमें एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी डी की, उसके बाद सी की, उसके बाद बी की, फिर लास्ट में ए. ओके, अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सी एल है, यहाँ पे भी सी एल है. बट अगर तुम लोग नोट करोगे तो मैंने लास्ट इसमें बोला था कि अप टू थ्री कार्बन्स तक ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट रहता है. तो यहाँ पे तीन कार्बन के बाद ये क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, जिस वजह से उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी. सो सबसे ज़्यादा होगा बी, बाद में आएगा सी, बाद में आएगा ए. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लस आई इफेक्ट में. सो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के टोटली उल्टा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने का नहीं तो इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है. सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे कौन से ग्रुप आते हैं बाबा? तो देख लेते हैं हम लोग. सी एच टू माइनस, एन एच माइनस, ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस, फिर ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप, फिर ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर आएगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, बाद में आएगा मिथाइल. तो ये वाले ग्रुप रहते हैं जो ग्रुप अपने पास इलेक्ट्रॉन वो अपने पास ना खींचते हुए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, मोर अल्काइल ग्रुप्स, सो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. ओके, सो अभी एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं. यहाँ पे
ये किया। ओके तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा या बेसिक नेचर, मतलब इसमें किस क्या ग्रुप कैसे इफ़ेक्ट देगा? तो क्या होता है यहाँ पे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स उतना ज़्यादा वो मोर प्लस का इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी इसमें हम लोग ऐसे देखते हैं कि चलो इसमें से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, प्रोटॉन लूज किया, यहाँ पे आया माइनस चार्ज। ओके तो अभी यहाँ पे हम लोग को इसका लोड कम करना है ऑक्सीजन का, ना कि बढ़ाना है। बट यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस देंगे, उसका और लोड बढ़ा रहे हैं बाबा। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, राइट, और यहाँ पे भी एक ही है, और यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं, राइट। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो हम लोग ये फैशन से जा सकते हैं, डी सी बी और ए। सो यहाँ पे ऐसे हम लोग एक कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर एसिडिक नेचर। और मोर बेसिक नेचर, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH CH3 COOH, दूसरा है CH3 COOH, और C है एक CL CH2 COOH। अभी इसमें से एसिडिटी किसकी ज़्यादा है अगर ये पूछते हैं तो हम लोग देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, ओके, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी इसका, इसके ऊपर का ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज ये क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका लोड कम हो गया, जिस वजह से सी इज़ मोर एसिडिक। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दो हैं, तो दिस इज़ मोर अनस्टेबल, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसका लोड बढ़ाएंगे, तो उसका रेंज होगा सी बी, सॉरी बी, फिर ए। तो आई बिलीव तुम लोग को ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंसेप्ट समझा होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग और भी, जैसे मेसोमेरिक है, रेजोनेंस है, लाइक मेसोमेरिक या रेजोनेंस एक ही होता है, तो ये दो हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाले इफेक्ट भी इसमें कवर करेंगे। देन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल है, जो एग्जाम्स में आते हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, थैंक्स अ लॉट।